जय श्री राम दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको लेके आए हैं यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के सेक्टर 18 पॉकेट 2B और प्लॉट है 466 जिसे हम बना रहे हैं। इसमें कुछ हम कंप्लीशन में अलग पिलर वगैरह के साथ इसको बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और पूरी उसकी आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आपका यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड प्लॉट है सेक्टर 18 में सेक्टर 20 में और आप उसमें कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, चाहे आप मिनिमम कंस्ट्रक्शन कराएं या फुली कंस्ट्रक्शन कराएं, उसके लिए आप जानकारी ले सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और किस तरीके से हमारा इस पर काम चल रहा है। आप देखेंगे ये कॉर्नर प्लॉट है 465 और इसी से लगता हुआ ये प्लॉट है 466। इसके सामने जो रोड है वो 12 मीटर का रोड है 40 फीट के आसपास। और अगर इस प्लॉट की हम डायमेंशन की बात करें 300 मीटर की, तो आपको इसका फ्रंट जो है 12 मीटर का फ्रंट देखने के लिए मिलेगा और इसकी गहराई आपको 25 मीटर की देखने के लिए मिलेगी। इसी के हिसाब से अगर हम इसमें मिनिमम कंस्ट्रक्शन करते तो हम 112-13 मीटर के आसपास एरिया हमें कवर्ड करना होता है मिनिमम कंस्ट्रक्शन, जिसको हम कंप्लीशन बोलते हैं। उससे हमें पेनल्टी वगैरह जो है वो नहीं देनी होती है अगर हम ये कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं, क्योंकि जब से हमारी चेकलिस्ट जारी होती है तब से, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो या यमुना अथॉरिटी हो, 3 साल का टाइम मिलता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, चाहे हम उसमें मिनिमम कंस्ट्रक्शन करें या हम मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन करें, तो 3 साल का टाइम मिलता है। तो अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के टाइम जो है वो कंप्लीट हो गए और यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की तरफ से भी एक लास्ट टाइम दे दिया गया है 30 जून 2024, क्योंकि तब तक आप देखेंगे तो आपको काफ़ी पॉकेटों में, चाहे वो सेक्टर 18 की हो या सेक्टर 20 की हो, उनमें आपको लाइट और पानी की सुविधा जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। इसलिए अब इतना ही टाइम दिया गया और मैं कहना चाहूँगा कि आपका अगर रजिस्टर्ड प्लॉट है और टाइम आपका हो गया है तो आप ज़रूर उसमें कंस्ट्रक्शन करा लें, नहीं तो आपको काफ़ी भारी भरकम इनकी पेनल्टी होती है जो पे करनी होती है। तो इसमें जो मिनिमम जो एरिया होता है वो मैंने आपको बताया 112-13 मीटर के आसपास कवर करना होता है, जिसमें फ्रंट पे भी जगह छोड़नी होती है और बैक साइड में भी जगह छोड़नी होती है। और अगर आप इसमें मैक्सिमम कवर इसको करना चाहते हैं 300 मीटर को, तो आपको इसमें 225-226 मीटर के आसपास कवर करना होता है। तो ये आप देखेंगे इसमें ये यहाँ से एक ड्राइंग रूम होगा, इधर गेट होगा, इसमें ड्राइंग रूम होगा और साथ ही में आपको अटैच इसी के साथ किचन देखने के लिए मिलेगी। इसमें हम पिलर वगैरह के साथ इसको बना रहे हैं, अभी ये नीचे से भर गए, ऊपर भी जैसे दीवार चलेगी उसके साथ साथ ये भरे जाएंगे पिलर जो हैं। आप इसमें आप 9 पिलर जो है वो देखेंगे, ये मजबूती के लिए कि अगर कंप्लीशन भी है। बाकी तो यहाँ की ज़मीन जो है वो काफ़ी पक्की है, मजबूत ज़मीन है, ऐसा नहीं है कि ज़मीन जो है कच्ची ज़मीन है। अगर आप बिना पिलर के भी कंप्लीशन बनाते तो वो भी सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप पिलर वगैरह के साथ बनाना चाहते हैं तो और इसकी मजबूती बढ़ जाती है, तो आप पिलर वगैरह भी ले सकते हैं। अगर लंबे टाइम तक आप चाहें कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो आप इस तरीके से पिलर वगैरह भी ले सकते हैं। ये आप देखेंगे चारों तरफ की आप दीवारें जो है वो सभी 9 इंची में आपको देखने के लिए मिलेंगी, चाहे बाउंड्री हो या साइडों की दीवारें हैं। कुछ दीवारें अंदर की जैसे वॉशरूम वगैरह की कुछ दीवारें जो है वो 4 इंची में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो इसमें काफ़ी गड्ढा था, साइड में भी गड्ढा आपको देखने के लिए मिलेगा, पहले इसमें मिट्टी का भराव हुआ है और उसके बाद जो है अभी इसका काम चल रहा है। अभी इसमें गेट वगैरह का, विंडो, ये सब जो है वो लग रहे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे लोहे के ही विंडो और गेट यूज करते हैं, जिससे कि फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, डीमक वगैरह की इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आए। इसमें एक ये सामने बड़ा वॉशरूम रहेगा और दोनों साइड में 2 रूम रहेंगे, एक ये रूम हो गया, काफ़ी बड़े रूम है, अगर एक ही वॉशरूम हम बनाते तो काफ़ी बड़े रूम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एक रूम ये हो गया और दूसरा रूम आप इधर की तरफ देख सकते हैं। देखें कितनी साफ सुथरी बढ़िया चिनाई जो है वो मिस्त्रियों द्वारा की जा रही है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हम जो है ईंटें यूज़ करते हैं। बाकी कंप्लीशन में यहाँ पे बहुत लोग जो है बहुत ही जो बेकार क्वालिटी होती है उसकी ईंटें यूज़ करते हैं, वो आप देखें। बाकी हमारी ईंटें जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ईंटें हम इसमें यूज कर रहे हैं, ये आप देखेंगे। तो इस तरीके से ये साइड में भी कंस्ट्रक्शन हो रखा है जो हमारे ही द्वारा किया गया है।
ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। बाकी यहाँ पे आपको 300 मीटर हो, चाहे आपका 500 मीटर है, 1000 मीटर है, 2000 या 4000 मीटर का प्लॉट है और आप उसमें उसको प्रॉपर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जानकारी ले सकते हैं, और आप अगर मिनिमम कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी 28 से 30 साइड जो है वो रनिंग में है, और कुछ साइडें अभी स्टार्ट होने वाली हैं इसी मंथ, 4 से 5 साइड है, तो आप आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस भी आना चाहें तो आपको हमारा ऑफिस जो है वो ग्रेटर नोएडा में ही नियर नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही में आपको पास में ही यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का जो दफ्तर है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो किसी भी तरह का आपका कोई भी काम है, फिजिकल पजेशन से रिलेटेड, मैप पास कराना है, कोई भी किसी भी तरीके का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप अगर अपना प्लॉट बनवाना चाहते हैं तो खाली हमें आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको एक भी बार आने की परेशानी की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर हैं या इंडिया में भी हैं और वो आ नहीं सकते, उनके हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बस उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए और उसके बाद हम ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। चाहे हम कोई आए वो देखें उस तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन हो, या जो नहीं आए तो कोशिश करते हैं कि उनका और अच्छे से अच्छा हम काम करके दें, जिससे कि अगर हम ये काम अच्छा करेंगे तो साइड वाले प्लॉट जो है वो ज़रूर हमें बनने के लिए मिलेंगे। हमारा ये नहीं है कि कोई नहीं आ रहे हैं तो उनका इस तरीके से करें, क्योंकि जब हम आज इसको अच्छा बनाएंगे तो तभी हमें साइड वाला या और कंस्ट्रक्शन मिलेंगे। तो हमारा मकसद बस इतना ही है कि काम जो है वो अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छा काम, चाहे वो कंप्लीशन ही क्यों ना हो, उसमें भी हम अच्छे क्वालिटी का काम जो है वो करके देते। जैसे कि लेंटर में वाइट कलर का डस्ट यूज करना, क्योंकि लेंटर जो है वो छत जो है वो एक घर की सबसे मजबूत कड़ी होती है, जिसमें हम वाइट कलर का डस्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट और जो गैप है सरियों का, जो सरिया फैलाए जाते हैं उसका गैप जो है वो एक नॉर्मल जो होना चाहिए साइज, वो साइज रखते हैं। ऐसे नहीं कि काफ़ी लोग यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक कलर से कलर का जो डस्ट होता है उसी से लेंटर और नॉर्मल सीमेंट यूज करके और काफ़ी गैप रख के सरियों में, जिसमें आप देखेंगे तो काफ़ी डबक वगैरह जो है लेंटर में आ जाती है, कई बार देखने के लिए मिलती है, नहीं तो फ्यूचर में भी दिक्कत उसमें आ सकती है। तो उन सब लोगों से आप बचें, जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को आप कंस्ट्रक्शन अपना करने के लिए दें, और पहले देखें कि किस लोगों के पास पहले कंस्ट्रक्शन उन्होंने कराया है, कितने उन्होंने मैप पास कराए, कितने उनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। हमारे पास 8 से 10 प्लॉटों के हमारे कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैं, पहले आप देखें तब आप काम दें आगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं। काफ़ी लोगों के हमें यूट्यूब वीडियो देख के कॉल आते हैं कि हमने उनसे अपना कंस्ट्रक्शन कराया था और हमारा काम जो है टाइम से नहीं हुआ, हमें अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, इस तरीके के काफ़ी इशू आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग प्रॉपर ना गेट लगाते हैं, ना ही लाइट और पानी का जो प्रॉपर काम है, वायरिंग वगैरह का वो करके देते हैं, उस वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो उन सब दिक्कतों से आप बचें और अच्छे लोगों को ही अपना काम करने के लिए दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जिनके यहाँ पे रजिस्टर्ड प्लॉट है, वो कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।